हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप किसी फोटो को जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने फोन से किसी भी फोटो को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो फिर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी फोटो को अगर जेपीजी में आपको कन्वर्ट करना रहे तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने गूगल ऐप को ओपन कर लेना है, और गूगल ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सर्च बार देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको लिख लेना है इमेज टू जेपीजी, लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सर्च कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इमेज कन्वर्ट टू जेपीजी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्क्रॉल डाउन करने पर, चूज फाइल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको फ्रॉम डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से जिस भी फोटो को आप कन्वर्ट करना चाहते हो जेपीजी में, उसे आपको चुन लेना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा इसमें फोटो, उसके बाद दोस्तों पिक्चर्स में है, पिक्चर्स में ये वाला फोटो को मैं जेपीजी करना चाहता हूं। तो दोस्तों इस पर मैं सिंपली इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जेपीजी में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि फोटो मेरा जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर जेपीजी फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो कि डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों ये फोटो आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि मैं ओपन के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये फोटो जेपीजी में कन्वर्ट होकर आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फोटो को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के द्वारा। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपको स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।